हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको गूगल ट्रांसलेट के ऐप के बारे में बताऊंगा। इस ऐप से आप कैसे हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी या और कोई कई भाषा में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इस ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसको आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं गूगल ट्रांसलेट ये ऐप गूगल का है तो इतना अच्छा होगा। तो मैं इसे डाउनलोड कर रखा है तो इसे मैं ओपन करता हूँ, बताता हूँ आपको कि आपको कैसे कैसे यूज करना है। तो ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसे आपको यूज करना एक छोटी सी और इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ जिनको समझ में नहीं आता कि उनके फीचर के बारे में। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आपसे कुछ परमिशन का अलाउ मांगेगा, लोकेशन वोकेशन का, तो आपको अलाउ दे देना है। फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई चीज़ का कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है जो भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट जैसे कीजिएगा दोस्तों, यहाँ इंग्लिश को मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं जो भी इंग्लिश का हिंदी में आ गया है। अगर आप और कोई भाषा में चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब ये देखिए, दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश को आप कौन से भाषा में, मतलब कौन से भाषा में करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा इंग्लिश है, इंग्लिश को हिंदी में करना चाहता हूँ। फिर यहाँ बैक जाना है, यहाँ पे भी आप जो इंग्लिश को कौन से भाषा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे भाषा मिल जाएगी हर एक लैंग्वेज में, तो आप उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ये समझ में आ गया। फिर आपको यहाँ पे बैक जाना है, यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे आप लिख के भी आप अपना ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख के भी आप अपने यहाँ से लिख सकते हैं कि हिंदी को इंग्लिश में करना है, इंग्लिश को हिंदी में करना है, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आप बोल के भी कर सकते हैं कन्वर्सेशंस, यहाँ पे आप दो को बोल के भी आप यहाँ पे हिंदी चाहे इंग्लिश को जो भी है और कोई भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी आपको यहाँ पे आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा। तो फिर आपको इसके और फीचर का, जो भी आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे या हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे या कुछ और कोई लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो आप इसको क्लिक करके। तो ऐसे यहाँ पे आप इसका डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं, आपकी स्टोरी आ जाएगी। और फिर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑफलाइन ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ सेटिंग का। फिर यहाँ पे आपको अपने जीमेल से लॉगिन हो जाना पड़ता है इसमें, और कोई भी अकाउंट इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ी इस ऐप में है नहीं दोस्तों, बस आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।